अगर आप इन दो दिवालियों में, जो आने वाली अगले साल की भी दिवाली है, या अपने कोई भी फेस्टिवल में अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस रखेंगे, तो इसके बाद वाली सारी दिवालियां या सारे फेस्टिवल आपके कंपैरेटिवली बेटर जाएंगे। तो बेटा दिवाली आ रही है, आप सभी लोगों को पता ही है, और सुहाना सा मौसम है। दिवाली के जस्ट बाद वो ये वाली फीलिंग नहीं रहती है, दिवाली तक रहती है। दिवाली के अगले दिन सुबह थोड़ा थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होता है, जब आप देखते हैं कि आपने कितना पोल्यूशन कर दिया है। हम तो कभी पटाखे फोड़ते नहीं थे, लेकिन दिवाली के बाद सिर्फ आपके पास एक निराशा रह जाती है कि आपने बहुत ज्यादा समय, क्योंकि स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं, दोबारा होमवर्क पूछा जाएगा, दोबारा ही सारी चीजें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये दो साल आप इंजॉय करिए अपने फेस्टिवल को, बट ये चीज ध्यान रख के कि अगर आपका बैकलॉग है, अगर आपकी पीछे पढ़ाई की चीजें छूटी हुई है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम उसको तैयार करें। अगर आप इन दो दिवालियों में, जो आने वाली अगले साल की भी दिवाली है, या अपने कोई भी फेस्टिवल में अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस रखेंगे, तो इसके बाद वाली सारी दिवालियां या सारे फेस्टिवल आपके कंपैरेटिवली बेटर जाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा ये गुजारिश है, आप इंजॉय करिए, लेकिन यस, मेजॉरिटी टाइम आप कोशिश करिए कि आप अपने बैकलॉग्स को, होमवर्क्स को, रिवीजन को टाइम दें। ओके, जिनका बैकलॉग बिल्कुल नहीं है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत बड़ी बात है बेटा। जो बच्चे रेगुलर है ना, और जिनका बैकलॉग नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि शायद तुम्हें नहीं आ रहा, या तुम्हें बहुत सारी दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहे सर, केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा, मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे, फिजिक्स समझ नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके साथ। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं, तो मेजॉरिटी बच्चा समझने, होमवर्क, इन सब से ही छोड़ के अगर देखा जाए, तो सिर्फ बैकलॉग से ही परेशान, वो उतना ही नहीं पढ़ पाया है जितना आपने पढ़ लिया। तो जो लोग कंसिस्टेंट है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आपकी कंसिस्टेंसी, और अगर आप लगातार साथ में चल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, और उसके साथ उन्होंने एक और टारगेट दिया होता है कि भाई ये पेपर क्लियर करें।